Something in my brain causes distress. So come on, make. Hello everyone and welcome back. तो कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बट आज जो है सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और लेट उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना रूम जो है क्लीन करवाया आंटी के साथ मिलके। तो आंटी से ही करवाया मैंने, खुद तो बस जस्ट उनको हेल्प आउट किया और कुछ ख़ास नहीं था आज मेरे पास दिखाने के लिए, क्योंकि सारी जो भाभी हैं वो भी अपने घर गई हैं, क्योंकि स्कूल का लास्ट टाइम चल रहा है, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और उसके बाद जो है फिर कोई कहीं नहीं जा सकता, फिर तो सबको यहीं रहना पड़ता है। तो इसलिए सब अपने घर में जो है थोड़ा सा रहने के लिए गए हैं, क्योंकि भाई भी नहीं है तो फिर सबने का थोड़ा टाइम हम भी गुजार आते हैं। सो आज जो है मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने कम्बिनेशन बनाया और बेडशीट वगैरह निकाली, क्विल्ट निकाल लिया। तो मेरा होता है कि मैं ना एक दिन छोड़कर एक दिन जो है बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि मैं ना बड़ा चूज़ी हूँ बेडशीट में, मुझे लाइट कलर अच्छे लगते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा चूज़ करके सेट करके बनाती हूँ अपना बेड वगैरह, तो क्योंकि मुझे वहाँ पर रहना होता है तो मुझे होता है कि मेरा ना पूरा रूम लाइट सा हो, तो उसी तरह का मैंने अपना रूम रखा हुआ है। सो बस इसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, मुझे मैरिनेशन करनी थी, वो करने के लिए आ गई थी। तो क्योंकि मैंने मेन्यू वगैरह बनाया हुआ होता है तो फिर इससे ये होता है कि मैं एक दिन पहले अगर कोई गोश्त निकलना हो तो मैं आंटी को कह देती हूँ कि आप सुबह अर्ली उठ जाती हैं तो आप उठ के निकाल के रख देना, तो आंटी रख देती हैं। तो डीफ्रोज हुआ हुआ था, वॉश भी आंटी ने करके रखा हुआ था, फिर मैंने आके इसमें दही जो है, एक किलो मेरा बीफ था, मैंने पारचे कट जो होता है ना वो करवाया था, क्योंकि मैं पारचे बना रही हूँ तो पारचे कट में ही मुझे गोश्त चाहिए था, तो उस वो करवा कर फिर मैंने इसमें 3 पाव इसमें दही ऐड की थी मैंने, क्योंकि मैं इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी और नहीं यूज़ करती तो मैं सिर्फ दही में पकाती हूँ। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है भर के अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर ली थी, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया था, 2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून ऐड किया था, 2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना कमेंट आया था तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं बता दिया करूँ रेसिपी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी रेसिपी भी। तो यहाँ पर जो है माली आ चुका हुआ था और आज जो है मुझे घर के बाहर का एरिया देखना था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने आंटी को बोला था कि आज हम बाहर के जो है ना जाले वगैरह अपने अपने बेटे के साथ मिलके क्लीन करना है। और माली आया था तो उससे जो वेजीज वगैरह बाहर लगी हुई है ना वो भी मैंने आज उससे उतवा ली थी, और थोड़े से मैंने उससे प्लांट्स मंगवाए थे वो भी मैंने उससे फिक्स करवाए थे, सारे लगवाए थे, और उसके बाद जो है बस मैं वो यही सब उससे करवा रही थी, और साथ में मुझे पापा जो हैं, पापा भी थे, पापा भी उसको असिस्ट कर रहे थे, तो हम दोनों ने मिलके आज पूरा दिन मैंने और मेरे फादर ने मिलके घर के बाहर के एरिया को सेट करने में लगाया था, जिससे स्टिल मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको जो है थोड़े टाइम बाद जो है ना मैं आंटी से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैंने आंटी से सॉर्ट करके आंटी को बोला था, आंटी कहीं थी मैं ना बेटा थक गई हूँ तो अभी हम किसी और दिन कर लेंगे, तो मैंने कहा चलें सही है। फिर अब मैंने उनको कहा कि मैं क्या कहूँ कि ज़ाहिर है उनकी भी इतनी एज है तो उनको इतना काम भी नहीं कह सकती, तो फिर मैंने आंटी को कहा था चलें सही है हम किसी और दिन कर लेंगे। मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन करना है आज, के मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है उन्होंने मुझे यूट्यूब पे किया था या इंस्टाग्राम पर किया था कि आपकी वीडियोस तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और अच्छी हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तानी चैनल है, तो आप बस ना थोड़ा सा स्लो बोलती हैं तो आप थोड़ा फास्ट बोला करें। तो मैंने ना काफ़ी ट्राई किया कि मैं फ़ास्ट फास्ट बोलूं, तो आप लोग मुझे बताएं कि अब मैं फ़ास्ट बोलने लग गई हूं या नहीं बोल रही, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं और ज़्यादा फ़ास्ट बोलना शुरू कर दूंगी। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है और मैं भी इंशाल्लाह ताला सीख लूँगी। सो बस इसके बाद जो है मैं अंदर आई, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, फिर जो है हमने चाय बनाई, मैंने पापा ने मिल के चाय पी। अब क्या था कि मुझे ना इस टाइम इतना ज़्यादा थकी हुई थी, मैंने ना चाय का शॉट भी लेना था वो मैं लेना बिल्कुल भूल गई, तो मैं सुकून से बैठ के चाय पी रही थी और मेरी कैट जो है मुझे मुड़ के देख रही थी, तो खैर उसको भी ना उसका भी फूड का टाइम हो गया था तो इसलिए मुझे मुड़ के देख रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए।
तो ये मैंने नॉर्मल सी प्याज चॉप कर ली थी, जैसे हम नॉर्मल प्याज को चॉप करते हैं ना, बिल्कुल मैंने इसको वैसे ही चॉप कर लिया था। और ये जो था यहाँ पे, मैंने ना दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने ऑयल में इनको ब्राउन किया था, डार्क ब्राउन से होते हैं ना, वैसे ब्राउन कर लिया था मैंने इनको। उस टाइम ब्राउन करने के बाद जो हमारी मैरिनेशन थी, फिर मैंने इसमें वो मैरिनेशन ऐड करके 2 मिनट मैंने इसको कुक किया था। और उसके बाद जो है मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर मैंने इसको लगाया था 25 मिनट का, मैंने इसे प्रेशर लगाया था, जिसमें गोश्त बहुत अच्छे से जो है गल गया था और जो है मसाला भी बहुत अच्छे से पक गया था। फिर उसके बाद जो इसमें थोड़ा सा वाटर था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और जब प्रेशर दे लिया था ना, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पकाया था। उससे क्या होता है, चीज़ को जब हम इस तरह अच्छे से भुनाई करते हैं ना और अच्छे से पकाते हैं, तो फिर उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार निकलता है। तो फिर मैंने इसको खैर भुनाई वगैरह किया था। और ये वाली मेरी भाभी हैं, ये हमारी जान नहीं छोड़ती, ये जो हैं बहुत थोड़ा जाती हैं घर अपने, काफ़ी कम जाती हैं, तो ये नहीं गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा, कहती कि रोटियाँ चलो मैं बना लेती हूँ, तो क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन पूरा दिन ही जो है ना मेरा बाहर ही लग गया था। वो तो क्लिप में छोटा ही आता है, लेकिन लगा मेरा पूरा दिन ही था बाहर। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा चलो रोटी मैं बनाती हूँ, मैंने कहा चलें आप रोटी बना लें, मैं अपनी हांडी कंप्लीट कर लेती हूँ। और बस फिर उसके साथ जो है हमारी चल रही थी यहाँ पर गॉसिप्स क्या थी, बहुत ही अजीब अजीब सी हम बातें कर रहे थे। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ना बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं, उनकी आउटिंग करवा लाते हैं, क्योंकि फिर स्कूल खुलने वाले हैं और काफ़ी दिन से बच्चे घर में बंद हैं, तो काफ़ी बोर हो जाते हैं। और ना फिर वो कहते हैं कि हमें मोबाइल दो, टीवी दो, टैबलेट दो, तो फिर उससे उनको रोकने के लिए जो है हमें फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अपना टॉपिक भी बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।